नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं केन जूस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गर्मियां चल रही हैं और ग्वालियर में हर तीसरे या चौथे दुकान के बाद आपको एक गन्ने के जूस की दुकान मिल जाएगी। गन्ने का जूस जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये गन्ना देख सकते हैं आप, जिसको हम केन बोलते हैं, और ये केन जूस कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जूसेस को अगर हम कंपेयर करें तो गर्मियों में ये सबसे सस्ता जूस है, जो इजीली कोई भी पी सकता है। आज हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। क्या ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं, क्या हमको इसको पीना चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या होता है जिस चीज के लिए हम इसको पीते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। गन्ना या गन्ने का जूस दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अगर जब हम एक ग्लास गन्ने का जूस पीते हैं लगभग 250 ml, तो उसमें हमको लगभग 200 किलो कैलोरी मिलती है। 200 किलो कैलोरी क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें लगभग 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। केन जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ भी नहीं होता, न तो इसमें प्रोटीन होता है न इसमें फैट होता है। मतलब अगर हम इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जिसमें एक ग्लास के अंदर आपको 200 कैलोरीज प्रोवाइड होती है, और ये सारी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। इसमें जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 45 ग्राम शुगर एक ग्लास केन जूस में होती है, तो उसमें से 15 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर को हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर रखते हैं, तो जो 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है एक ग्लास केन जूस में, उसमें 15 ग्राम फाइबर है और 30 ग्राम प्योर शुगर है। जो हम नॉर्मल घरों में जो शुगर यूज करते हैं वही शुगर होती है केन जूस के अंदर भी, ठीक है। तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो हम इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एनर्जी ड्रिंक की तरह, ठीक है। अब कौन इसको लेगा और कौन नहीं लेगा? जो डेली वर्कआउट कर रहे हैं, डेली जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, मतलब डेली वर्कआउट कर रहे हैं, वो दिन भर में एक ग्लास पी सकते हैं। लेकिन जो लोग मोटे हैं या जो लोग वर्कआउट नहीं करते, वो वीक में एक या दो ग्लास ले सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 15 ग्राम इसमें फाइबर है, इसलिए इस केन जूस की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। मतलब हमारी आंतों में जाने के बाद केन जूस का जो शुगर है वो हमारे खून में बहुत धीरे धीरे जाता है, क्योंकि वो जो फाइबर है उसमें 15 ग्राम, वो उसके एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, रोकता है। इस वजह से केन जूस की जो शुगर होती है वो हमारे खून में धीरे धीरे पहुंचती है, और इससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। तो डायबिटिक्स भी इसको पी सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर। ऐसा नहीं, चूंकि ये शुगर है हम जानते हैं, इनटेक तो ज्यादा हमको नहीं लेना है। मतलब वीक में आप एक आधा ग्लास दो ग्लास डायबिटिक्स भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, गन्ना एक तो डायरेक्टली मुंह से खाया जाता है। हम सब गांव में, हमारे उत्तर भारत में बहुत गन्ना उगता है, और हम इसको छील के भी खाते हैं, और दूसरा इसका जूस भी निकालते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो जो हम छील के मुंह से चबा के खाते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है रेदर देन जूस। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उसको मुंह से छील के खाएंगे तो उसके फाइबर की क्वांटिटी हमारे अंदर ज़्यादा जाएगी, जो हमारे अंदर मोटापा कम लाएगा। अगर हम उसका जूस पियेंगे तो फाइबर होता तो है उसमें, लेकिन कम हो जाता है, क्योंकि हम आप देखते हैं जैसे उस मशीन के अंदर जब हम गन्ने को घुसेड़ते हैं और उसका जूस निकालते हैं, तो उसका जो फाइबर, जो सफ़ेद सफ़ेद जो रेशा होता है, जो रेशा निकल जाता है एक्चुअली, और वो रेशा ज़्यादा जाता है जब हम मुँह से खाते हैं। तो मुँह से खाना इज़ बेटर
मुंह से चबा के खाना इज बेटर देन दी जूस। दूसरी बात, क्या हमको बाहर का जूस पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? तो दोस्तों जितना हो घर में अगर हम जूस निकालते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है रेदर देन कि हम बाहर से पिए, क्योंकि बाहर कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ये भी मैं मानता हूं कि गन्ने का जूस घर में निकालना मुश्किल होता है, तो फिर हम अगर बाहर भी पी रहे हैं तो हमको ऐसी जगह पीना चाहिए जहां साफ सफाई हो। जैसा कि आप जानते हैं ये शुगर है, तो कई बार हम जैसे देखते हैं कि मशीनों पर मक्खियां लगी हुई होती हैं, तो मक्खियों से जो हमको बहुत सारे जीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए आप कई बार देखते हैं गन्ने के जूस के बाद हमको दस्त लग जाते हैं, हमको इन्फेक्शन हो जाते हैं। कारण यही होता है कि कंटामिनेशन आ जाता है बाहर से। तो जब भी हम बाहर से गन्ने का जूस पिए ध्यान दें कि जिस जगह से हम पी रहे हैं प्रॉपरली साफ सुथरी है या नहीं। इसके अलावा जब भी हम गन्ने का जूस पीते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं उसमें नींबू मिलाया जाता है, उसमें अदरक मिलाया जाता है और उसमें नमक मिलाया जाता है। दोस्तों आप नींबू का इस्तेमाल इसके साथ करिए, अच्छा है, सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा, विटामिन सी आपको मिलेगा। दूसरा, आप मिंट मिलाते हैं इसमें, पुदीना जिसको अपन कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है, गर्मियों में ठंडक देता है आपको। देन उसमें आप मिलाते हैं नमक, तो नमक दोस्तों मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि नमक इसमें ना मिलाएं। तो ये तो बात हो गई कि हमको लेना कैसे है और कितना लेना है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। इसके अलावा और गन्ने के क्या फायदे हैं गन्ना या गन्ने के जूस के? तो दोस्तों इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितनी भी नेचुरल शुगर्स होती हैं उनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे मैंने हनी के ऊपर आपको वीडियो बताई थी, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो फ्री रेडिकल हमारी हमारी बॉडी में डीजेनरेशंस करते हैं, हमारी एज को बढ़ाते हैं, उस एज को कम करता है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल को मारते हैं, फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है गन्ने के जूस में, दूसरा जैसा मैंने कहा ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। जैसे जब हम खाना नहीं खा पा रहे हैं या हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, हम कहीं ऐसे हैं जब बहुत टाइम से हमने खाना नहीं खाया और हमको लगता है कि हमको थोड़ा लो फील हो रहा है, तो ऐसे में हम गन्ने का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा इसलिए पिया जाता है क्योंकि हमको गर्मियों के अंदर उतना भूख नहीं लगती और हम उतना फूड इंटेक नहीं करते, तो इस तरह की नेचुरल शुगर लेने से हमारी शुगर लेवल ठीक रहती है। इसके अलावा गन्ने में और क्या है, जैसा मैंने आपको बताया इसका जीआई इंडेक्स कम होता है, तो ये डायबिटिक्स भी ले सकते हैं। बस इसमें ध्यान रहे कि इसमें हमको नमक ज़्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन गन्ने के बारे में दी है। आप मुझे रिक्वेस्ट, मैं जैसा देख रहा हूँ कुछ वीडियो से रिक्वेस्ट मुझे कम कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट करें नई वीडियो बनाने के लिए। और किन फूड आइटम या फ्रूट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, जिसके लिए मैं आपको वीडियो बनाना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें और नीचे वीडियो के जो बटन होती है वो ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस के मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।